अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। युवा नेता संदीप नाइक का सादगी भरा बर्थडे, हजारों समर्थकों ने दी वर्चुअल शुभकामना, सेलिब्रेशन की बजाय काम करते दिखे पूर्व एमएलए। अरौली के पूर्व विधायक और भाजपा के युवा नेता संदीप नाइक ने अपने बर्थडे पर नई मिसाल कायम की है। कोरोना लॉकडाउन में जन्मदिन सेलिब्रेशन की बजाय उन्होंने अपने बर्थडे को नवंबरीकरों के लिए समर्पित कर दिया। मंगलवार को गणेश नाइक के साथ मनपायुक्त से मिलने के बाद समर्थकों ने जब अपने युवा नेता संदीप नाइक को शुभकामना देने के लिए घेर लिया, तब उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबको अभिवादन से ही जवाब दिया। जनता के लिए समर्पण भाव, जनसेवा का जज्बा और उनकी सादगी से प्रेरित कई नेताओं और समर्थकों ने उन्हें इस अवसर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। संदीप नाइक जी जो आमदार थे, हमारा अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है, युवा नेता है, वो उनका आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर उनको बहुत बहुत बधाई, लाख लाख शुभेच्छा देना। हाँ, अति चांगले काम करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, और अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है और मार्गदर्शन भी कर रहा है, तो उसको हार्दिक शुभकामना। आज हमारे लोकप्रिय और हमारे युवा नेतृत्व जो जिससे हम प्रेरित हुए हैं पिछले दो दशकों से, ऐसे नेतृत्व जो नई मुंबई का भाग्य ऐसे नेतृत्व मिलना, वो संदीप जी नाइक, उनका आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर सारे नई मुंबई की जनता की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर उसको उदंड आयुष्य दो और इसी तरह वो लोगों की जनसेवा करे और उनको और शक्ति प्रदान करे। उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब वो नगर सेवक थे तब मैंने उनका देखा है जो जज्बा, उन्होंने अपना आपको बहुत ही कम एज में लोगों को समर्पित किया है। उनका एक ही ध्यास है, नई मुंबई का विकास। और आदरणीय हमारे सबके गुरुवर्य गणेश जी नाइक साहब, उनके पदकर्मों पे चल के उन्होंने अपना जो सफ़र शुरुआत किया, और नाइक साहब की, दादा की आशीर्वाद उनके ऊपर सदा है और आगे भी रहेगी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे युवा नेता का मित्र हूँ कि जिन्होंने नई मुंबई के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। आज अभी मैं संजीव जी नाइक का यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, उनके भाई है वो भी। आज नई मुंबई में कोविड सेंटर्स हो गए, या आज आप देखेंगे आज नवनिर्वाचित आयुक्त विठ्ठल अभिजीत बांगर जी को मिलने आए हैं। और आज जन्मदिन होने के बावजूद भी अपना जन्मदिन उन्होंने लोगों को समर्पित किया है। बांगर जी साहब के पास आके उन्होंने ये निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा आए, ICU बेड्स हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो और एम्बुलेंस सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंटीजन टेस्ट से क्या होता है, आपका जो कोविड रिपोर्ट है वो आधे घंटे में आता है, उसकी सुविधा बढ़ा है। आज देखो, आज ऐसा नेता जो अपने जन्मदिन पे, आज उन्होंने क्या किया, पहले आके अपने कमिश्नर से मिले, दादा के समवेत संजीव जी नाइक है, सागर जी नाइक है, पूरे नाइक फैमिली आज देखा अपने लोगों के लिए समर्पित है। यहाँ पे आई आज जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने यहाँ पे आके नई मुंबई के लोगों की समस्या का समाधान के लिए आज कमिश्नर से बात की है। फिर से मैं उनको उनके जन्मदिन पे उनको बधाई देता हूँ सारे और के तरफ से। बता दें कि पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि वे जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए बैनरबाजी और पुष्प गुच्छ देने की बजाय उन पैसों को कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों के लिए खर्च करें। उनके समर्थकों ने अपने नेता को इसी तरह से शुभकामना देते हुए रक्तदान शिविर लगाया और कई सामाजिक उपक्रम भी चलाए, जिसके जरिए उन्होंने सच्ची सौगात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।